नीरज चोपड़ा का एक प्रॉब्लम रहा है कि वो 90 मीटर का मार्क कंसिस्टेंटली नहीं टच। अरे टोक्यो इज जापान। अरे यार पग वाला मुंडा बड़ा डम लगता यार, कुछ नहीं पता। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बुरा पेला हुआ है, मतलब वो नाइटमेयर टाइप दिया हुआ है। 19 नवंबर टाइप एक हॉकी में भी किया हुआ है उन्होंने। शूटिंग में तो जीत जाएगा पाकिस्तान जो आया दर दर दर। एक्टिंग में भी। और फिर से मैं वही कह रहा हूँ, टर्फ क्रिकेट का एक बहुत अच्छा व्लॉग आने वाला है एक बड़े यूट्यूबर के साथ। और वो बड़ा यूट्यूबर क्यों, रजत दलाल है। पेरिस ओलंपिक्स स्टार्ट हो गया, और नहीं इस ओलंपिक्स में क्रिकेट अभी नहीं हुआ, वो 2028 वाला है। पर इसमें भी क्रिकेट के अलावा भी अगर बात करनी हो तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। इसमें आई थिंक 29 स्पोर्ट्स हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओए होए, आर्चरी को स्पोर्ट मान रहे हैं लोग भाई। अरे ऐसे ऐसे जिनका मैं नाम भी नहीं पता है, बर्फ पे कुछ रैंडम चीज हो रही है वो भी एक स्पोर्ट है। और मोर देन 300 कॉम्पिटिशन है, मतलब एक स्पोर्ट में मल्टीपल कॉम्पिटिशन भी है। और कोई ऐसा कॉम्पिटिशन नहीं है की चुगली करनी हो तो हम जीत जाए, नहीं, किसी की टांग खींचनी हो, अभी तो इंडिया कम रह जाते हैं। बट मेन बात यही है की पेरिस में हो रहे हैं इस बार के ओलंपिक, और इस ओलंपिक्स को जेंजीज बोल रहे हैं पैरा ओलंपिक्स। वो अलग होते हैं बाय द वे। और मैं एक फन फैक्ट बता देता हूं इसका कि भाई इनके जो स्विमिंग के कंपटीशन है ये कह रहे हैं भाई नदी में कराएंगे। बताओ, इन्होंने बिड जीती, इन्होंने अपनी साफ कर दी। बिड जीतते इन्होंने बोला कि भाई हम सबसे पहले पैसा लगाएंगे नदी साफ करने पे, और नदी साफ करो, कह रहे वहां तो कूदो। अप्रूव कैसे किया कि नदी साफ हो गई है, जो वहां की मेयर है जिसने साफ कराई है वो कूद गई, स्विमिंग की उसने, उसमें पब्लिक को करके दिखा दिया। 4 साल की साइकिल में 3 साल हम इसको याद नहीं करते, 1 साल जब ओलंपिक्स आता है हम कहते हैं नीरज भाई मेडल ले आओ। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, शुभम ने थोड़ी रिसर्च करी है कि कौन कौन इंडियन हमारे लिए इस साल मेडल लेके आ सकता है और कौन से स्पोर्ट में लेके आ सकता है। तो एक नाम तो भाई नीरज चोपड़ा पक्का, सिल्वर या गोल्ड। सिल्वर के ही ज्यादा चांस है नीरज चोपड़ा। वेबर करके एक बंदा है एक, तो उसकी भी फॉर्म वैसे इतनी अच्छी नहीं है। बट नीरज चोपड़ा का एक प्रॉब्लम रहा है कि वो 90 मीटर का मार्क कंसिस्टेंटली नहीं टच, और ये जर्मन कर देता है। हाँ जर्मन कर देता है, बाकी एक दो और एथलीट्स हैं वो भी 90 मीटर पार कर दे रहे हैं। लास्ट टाइम भी जो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था तब भी 87 मीटर पे जीता, तो वो उसके बाद से भी 90 कंसिस्टेंटली हिट नहीं कर पा रहा है। सिल्वर मोस्ट लाइकली ही विल गेट, ऑनेस्टली ही कैन गेट गोल्ड ऑल्सो, बट चांसेस है कि वो सिल्वर जीतेगा। मैं नाम भूल रहा हूँ यार, एक तो विदेशों में नाम है। हाँ। जर्मन का नाम सोचते हैं, यूरोपियन ही है वो, शायद जर्मन भी नहीं है, कहीं और का बंदा है। वो कंसिस्टेंटली 90 मार रहा है और वो यहाँ पे आ रहा है, क्या बोल रहे हैं, भाला भाला फेंक। भाला, हम तो भाला फेंक। फन फैक्ट, हमारे स्कूल में तो भाई भाला पता है किस लिए यूज होता था, भाले ले आए। अब 26 जनवरी ये सब पे परेड होती थी तो फ्लैग का पोल की तरह यूज कर लेते थे भाले को। एंड बाय द वे अदर देन नीरज चोपड़ा देयर इज वन मोर इंडियन हु इज पार्टिसिपेटिंग इन द सेम इवेंट, किशोर जाना। वो भी उतना ही अच्छा फेंक, मतलब ऑन हिज डे हो सकता है कि इंडिया 2 मेडल भी ले आए। नहीं तो ये अलाउड होता है कि एक नेशन 2 इन सम स्पोर्ट्स यू आर अलाउड। मुझे ये नहीं पता था इन सम स्पोर्ट्स। हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू न्यू दिस? नहीं, तो ये अलग अलग स्पोर्ट्स में, किसी स्पोर्ट्स में मल्टीपल लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट तू कह रहे जैवलिन में एक नेशन से 3 लोग या 2 लोग जो क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफिकेशन के गेम्स होते हैं अलग अलग। कुछ तो होता है कि आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली तो आप ऑटोमेटिक क्वालिफाई कर गए, या फिर अलग से क्वालिफिकेशन राउंड ही होते हैं कि वहाँ आपने सर्टेन मार्क अचीव कर लिया तो आप आ जाओगे। और इसमें एक पाकिस्तानी भी है अर्शद नदीम, जो लास्ट टाइम भी था, जिनके साथ काफी ब्रोमांस हुआ था नीरज चोपड़ा का, उसकी बॉडी सही है। हाँ तो वो भी इस बार है, बट आई डोंट थिंक ही इज गेटिंग अ मेडल। एंड कमिंग टू बैडमिंटन, उसमें भी हमारा हाथ तो स्ट्रांग है थोड़ा बहुत स्ट्रांग हाथ है हमारा। पी सिंधु चले जा, बैडमिंटन चल रहा। ये भी मैं तुम्हें बता दूं, बैडमिंटन इज एन इंडोर स्पोर्ट। प्लीज अगर बैडमिंटन आप खुले में खेल रहे हो और फिर आप कंप्लेन कर, चिड़िया इधर उधर भाग रही है, हवा चल रही है, आज नहीं खेल पाएंगे। अरे नहीं, इंडोर स्पोर्ट है, उसे अंदर जाके खेलो, बाहर तो चिड़िया भागेगी इधर। क्योंकि हमने स्लॉगर्स की वीडियो में बात भी करती कि वेस्ट इंडीज में हवा के टाइम में बहुत ज्यादा गेम में इफेक्ट पड़ रहा था, तो और कौन सी गेम है जिसपे इफेक्ट पड़ता है? तो टॉप कमेंट था भाई बैडमिंटन में बहुत पड़ता है, अंदर खेला कर नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या है, पीवी सिंधु जो है इंडिया के लिए 2 बार मेडल जीत चुकी है लास्ट 2 ओलंपिक्स में। दूसरी हमारी होप, ये डबल्स खेलते हैं 2 लड़के, चिराग एंड सात्विक, और ये बहुत सारे टाइटल्स जीत चुके। और सबसे बड़ी बात है ये पेरिस में बहुत टाइटल्स जीत चुके, तो इन्होंने लेजिट बोला है कि हम जब भी पेरिस जाते हैं ऑडियंस हमें चीयर करती है, और हमने वहां फाइनल्स जीते हुए हैं। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुके हैं, थॉमस कप जीत चुके हैं, बहुत कुछ जीत चुके हैं साथ में। एंड ये इन कोरियंस ओरियंस जो भी बैडमिंटन में स्ट्रांग है ना, चाइनीज, इन सबको हरा चुके हैं। पीवी सिंधु 2 बैक टू बैक जीत चुकी है, उसका थोड़ा टफ है इस बारी। ये मेन होप है इंडिया की। बीच में लेट्स प्ले अ क्विक गेम। तरन हमें बताएगा कि जहां से मुझे याद है ओलंपिक्स कहां कहां हुए थे। 1996 में का पाकिस्तान नहीं, अरे पाकिस्तान में ओलंपिक्स थोड़ी हो गए, अटलांटा में हुए थे। अटलांटा में ओलंपिक्स हो रहे, वहाँ लोगों को लाइफ नहीं मिल रही। मैंने ये देखे नहीं थे, बट इसमें लिएंडर पेस वन फर्स्ट एवर इंडिविजुअल मेडल फॉर इंडिया। लैंडी तो भाई बड़ा इंफॉर्मेटिव निकला यार, उसको मेडल मिला था टेनिस में, ब्रोंज मेडल। ठीक है, 2000 वाले कहाँ हुए थे? ऑस्ट्रेलिया में हुए थे, सिडनी में हुए थे। इसमें कर्णमलेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में जीता था। 2004 बीजिंग, एथेंस। 2008 बीजिंग में हुए थे, एथेंस ग्रीस में हुए, ग्रीस में थे। इसमें राज्यवर्धन राठौर ने सिल्वर मेडल जीता था शूटिंग में। अरे पहले एक ही मेडल मिलता था तो याद रहता था भाई। यार क्या बात है। 2008 बीजिंग चाइना, इसमें आई थिंक सुशील कुमार गॉट अ मेडल फॉर अस। 2-3 मेडल आए थे तो मुझे एग्जैक्टली अभी भूल रहा हूँ मैं। 2012 यहाँ तो मैं बड़ा भी हो गया था। तो ये कहाँ हुए थे? ये हुए थे भाई, मैं तेको बताऊंगा। 2 मिनट कहाँ हुए थे? यूरोप में हुए थे। चल हिंट, यूरोप की सबसे महंगी सिटी। लंदन में हुआ। लंदन ओलंपिक्स। लंदन में ओलंपिक्स हो रहे हैं? लंदन में ओलंपिक्स। हैरी पॉटर होता नहीं लंदन। 2016 हुए थे साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में कनाडा में होंगे। अरे यार नॉर्थ अमेरिका में कनाडा। Kind of people who do fraud to clear UPSC exam. मुझे भी नहीं पता भाई, पंजाबियों की मुझे नहीं पता। ये हुए थे 2016 में थे रियो डी जेनेरियो ब्राजील। रियो यार हाँ, रियो कहाँ की कैपिटल है? ब्राजील। हाँ ब्राजील की, अभी बोल दिया ठीक है। और वहाँ पे तो काफी मेडल्स इंडिया को मिले थे। 2020 के ओलंपिक्स कौन से साल में हुए थे? 2020 के हुए थे अगले साल 2021 में, कोविड। एंड कहाँ हुए थे? रियो। टोक्यो। रियो पिछले वाले हुए थे यार, तो बैक टू बैक रियो को दो थोड़ी मिल जाएंगे। अरे टोक्यो इज जापान। अरे यार ओ वो यार अनन्या पांडे भी। अब तो मेरे साथ वही हो गया कि मेरे को इतना अंडर कॉन्फिडेंट कर दिया गया कि मुझे कुछ आइडिया। अनन्या पांडे भी थे। पग वाला मुंडा बड़ा डम लगता यार, कुछ नहीं पता। वी शुड नॉट शेम एनीवन फॉर दिस, इट्स ओके। ये तो तू बोल रहा है क्योंकि तूने मेरी मार लिया। नहीं यार भाई बहुत मुश्किल है भाई। इट्स ओके, इट्स ओके, एनीवन कैन हैव वीक ज्योग्राफी। इट्स नॉट ओके मैन, द कमेंट सेक्शन विल टेल मी सारे लैंडी तेरे को इतना नहीं पता। इट्स ओके, मैं माफी, आई विल backbenchers hand and I will not let him माफी चाहता हूं भाई मुझे। कोई नहीं, it's okay. But 2021 में इंडिया won their highest ever 7 medals। 24 का पूछ ले कि कितने जीतेगी। नहीं कितने, कहां पे हो रहा है? कहां हो रहा है? पेरिस। गुड, ये है कहां ये पूछ ले। पेरिस कहां गया? स्पेन। फ्रांस। अरे पता है, पता है, ये तो मुझे पता है, इसे पता है। तू पूरी रिसर्च करके आया यार। अरे बट I passionately follow all this ना, मतलब हां I follow all this। तो ये मैं ऑडियंस को बता रहा हूं भाई, इनका भी कुछ इजाफा हो जाए नॉलेज में। और तुझे एक एनालॉजी और मैं बता दूं, गोल्ड मेडल जीतने वाला तो सबसे ज्यादा खुश होता है। उसके सबसे ज्यादा खुश कौन सा बंदा होता है? सिल्वर वाला। नहीं सिल्वर वाला तो मैच हारा होता है ना, वो फर्स्ट आ सकता था बट वो सेकंड आया, जो ब्रॉन्ज जीत जाता। हाँ, क्योंकि ब्रॉन्ज वाला मैच जीत के मेडल मिला। रेसलिंग का रूल पता है कि नहीं? रेसलिंग में एक रूल ये है, आई डोंट नो इस बार फॉलो हो रहा है कि नहीं, बट सुशील कुमार वगैरह ने मेडल ऐसे जीता है कि वो अपना मैच हार के बाहर हो गए और जिससे हारे थे वो गोल्ड मेडल जीत गया। सो दे गेट अ सेकंड चांस, जो बंदा आगे सेमीफाइनल खेल रहा है उससे कम्पीट करने का, अगर आप गोल्ड वाले से हारे हो। अगले भाई शूटिंग में इंडिया का लार्जेस्ट एवर कंटिजेंट जा रहा है। इतने शूटर कभी नहीं गए। शूटर लोग जा रहे हैं पूरे शूटर लोग जा रहे हैं इस बार अपने पेरिस। बट एक मनु भाकर करके है, उसकी काफी स्ट्रांग उम्मीद है कि वो जीत सकती है। एंड शूटिंग में है चांसेस, मतलब इंडिया के। हॉकी का क्या सीन है भाई इस बार? हॉकी का तो लगता नहीं चक दे इंडिया बच पाएगा इस बारी भाई। इंडिया पिछली बार तुम्हारा मेडल आया था 21 में, इतना मुझे याद है। इंडिया को ग्रुप ऑफ डेथ में लिया, एक तो ऑलमोस्ट टफ ग्रुप है, ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, ये तक। अर्जेंटीना भी मैंने अर्जेंटीना चक दे इंडिया में तो स्ट्रांग ही थी भाई, उसको तो मार मार के खेल रही थी उनकी लड़कियां। इंडिया फिर भी हरा सकती है। अच्छा बट ऑस्ट्रेलिया बेल्जियम टफ टू बीट है यहाँ पे, तो हॉकी का मेडल नहीं आएगा इस साल। नहीं, और अगर इंडिया मान ले आगे पहुंच भी गई क्वार्टर फाइनल में, तो वहां भी हमारा मैच जर्मनी वगैरह से लग सकता है, जो टफ टीम्स है। इंडिया में कोई बड़ा टूर्नामेंट हुआ था, वर्ल्ड कप या वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइप का, मतलब इंडिया जैसे 2-0 टाइप से आ गई थी और 4-2 से हार गई। तो लास्ट में हाँ ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बुरा खेला। टाइम के बाद कुछ होगा फिर नहीं, एकदम एंड में जाके 4 गोल खा लिए, रो दिया कि ये क्या हो गया। हाँ बहुत बुरे गोल खा लिए इंडिया ने लास्ट 10 मिनट में 4। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बुरा पेला हुआ है, मतलब वो नाइटमेयर टाइप दिया हुआ है। 19 नवंबर टाइप एक हॉकी में भी किया हुआ है उन्होंने। मूविंग ऑन टू वेट लिफ्टिंग में कोई सीन है? हाँ मीरा भाई चानूस की पूरी उम्मीद है। अच्छा एक तो वो भी ऐसी लेडी है जो बड़े मैच में कमाल कर देती है, मतलब ऑपोजिट ऑफ इंडिया। बड़े मैच यू परफॉर्म व्हाट हैपनिंग, ग्रेट हैपनिंग, ग्रेट हैपनिंग। तो वो लास्ट टाइम की भी सिल्वर मेडलिस्ट है और अभी भी रिदम में है, फॉर्म में। बीच में से इंजरी हो गई थी बट अब रिकवर कर रही है। एंड उसके कुछ इंटरव्यूज वगैरह है जिसमें वो खुल के बोल रही है कि मैं अपने दिन पे उठा दूंगा। बट ओलंपिक्स का अगर तुम चार्ट देखो, जब मैं देख रहा होता हूँ तो यार ऑस्ट्रेलिया यूएस ये सारी टीम्स। अच्छी बात है इस बार रशिया नहीं है, क्यों? उनको बैन कर दिया है कि यूक्रेन पे अटैक कर रहे हो तो यहाँ नहीं आओगे। तो अगर क्रिकेट नहीं भी लिया होता तो अफगानिस्तान ना खेल नहीं। अरे अफगानिस्तान तो विक्टिम है। नहीं इनका वो है ना कि वुमेन राइट्स के, ऑस्ट्रेलिया नहीं कहती कि वुमेन राइट्स नहीं। तो अगर अफगानिस्तान तो अफगानिस्तान ओलंपिक्स में है, पता नहीं, आई हैव नो आईडिया। किसी को पता है तो कमेंट में बता देना। नहीं होगी यार, पता नहीं। शूटिंग में तो जीत जाएगी अफगानिस्तान यार, जो आजा दर दर दर। एक्टिंग में भी, एक्टिंग में ऑस्कर गुलबदीन नाइब आ जाएगा। लेकिन ये है कि रिफ्यूजीज की भी टीम होती है, उसे कहते हैं पैरालंपिक, जो जिनके पास मान लो घर अपना कोई अपनी कंट्री छोड़ के पेरिस में है गया हुआ है, तो वो रिफ्यूजीज की टीम वो ओलंपिक के। आई थिंक पंजाब गोइंग टू कनाडा इज अ रिफ्यूजी टीम। ओलंपिक के फ्लैग के अंडर वो लोग खेलते हैं। अच्छा तो कई बार जीत भी जाते हैं। इस वीडियो के लिए भाई थैंक यू शुभम, पूरी रिसर्च करके आया, नॉलेज कमाल का। एक और चीज भी मैं कहना चाहता हूं, आ जाओ भाई आज तो बियर भाई सब का। ये मैं तेरे को एंड जितने भी तू बच्चे पैदा करना चाहता है नहीं ओके, अगर कोई पैदा करना चाहता है हाँ। और उसको एथलीट बनाना चाहता है अच्छा। तो मैं चाहता हूँ कि भाई कैलकुलेशन करो ओलंपिक के हिसाब से, मतलब बहुत सारे स्पोर्ट ऐसे होते हैं कि जिनमें लिमिटेड कंट्रीज ही पार्टिसिपेट करती हैं, पर जैसे मुझे लगता है एज एन इंडियन हमें 100 मीटर में भागना ही नहीं चाहिए। सब कर रहे हो, सब भाग रहे हैं हम, उनको नहीं हरा सकते भाई ब्लैक्स को। स्टीपल चेज में केन्या वालों को आप नहीं हरा सकते, वो मेडल उन्हीं के हैं, जी जेनेटिकली बहुत स्ट्रांग है, आप नहीं हरा सकते। तो आप ऐसे पे ध्यान दो, जैसे लास्ट ईयर भाई वो आ गया, अरे वो आ गया था लास्ट ईयर जो बच्चे नहीं पैरों में पहिए बांध के और खेलते रहते हैं, स्केटबोर्ड। हाँ स्केटबोर्ड ओलंपिक स्पोर्ट बन गया था, तो बच्चे पैरों में स्केटबोर्ड मतलब वो, लेकिन एक उतना सीरियसली नहीं लेते ना उसको लोग। नहीं यार कुछ जगह तो पूरा फ्रीस्टाइल स्केटबोर्डिंग होती है भाई, वो यूएस में तो बहुत होती है, वो ओलंपिक स्पोर्ट बन गया है। मतलब वैसे वाले उसमें यूएस ही किल कर रहा होगा, इंडियंस भी कर सकते हैं। मतलब जिन गेम्स के लिए हम बने हुए हैं ना थोड़े से, मतलब जैसे टीटी में चाइना बहुत ही स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग है कि हम वो रिफ्लेक्स ला ही नहीं सकते, वो जेनेटिक्स है, ट्राई कर सकते हैं। ऐसे स्मार्टली हमें वो स्पोर्ट्स लेने चाहिए जिनमें कम कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वही है चुगली हो गई, लड़ाई हो, बदमाशी है, ऐसे स्पोर्ट बदमाशी में करा ले। उसमें भी यार हम साउथ अमेरिकन से हार जाएंगे अगर हमारे यहाँ के गुंडे उंडे जाएं लड़े, जैसे रजत भाई जाएं, कुछ नहीं वो नहीं वो, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे लाइव नहीं करते, दो गाली स्पेनिश में वहीं गुद्दी लाल करते हैं। वो कौन सा गाना कई पैण के टके, वो नहीं सुनते हैं, वो नहीं सुनते, वो नार्कोस एल चापो। ठीक है भाई, थैंक यू, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। ऐसी और अलग हटके वीडियो मैं तो चाह रहा हूँ, मतलब अगर तुम्हें ऐसा करना चाहिए, इसको कुछ नहीं पता, इसे फुटबॉल की जैसे बहुत जानकारी है, सो मे बी वील डू वन वीडियो ऑन फुटबॉल। हमें यूरो कप पे करनी चाहिए थी, वो हमने मिस कर दिया, बट मे बी हम प्रीमियर लीग पे कर सकते हैं, ला लीगा की कर सकते हैं, जैसे मुझे इनका कुछ आइडिया नहीं है। तो उसमें मैं इस साइड हाँ, वहाँ पे मैं तेरे से समझना चाहूंगा कि भाई क्या टॉप टीम्स हैं, कौन से प्लेयर्स। तो स्लॉगर्स इज नॉट जस्ट अबाउट क्रिकेट, अगर रिलेवेंट कुछ भी हो रहा है, जैसे ओलंपिक्स की बात हो रही है और बाई चांस हमारा मेडल आ जाए, जो कि आएगा, करेंगे, विल डू मोर वीडियोस आल्सो। 3-4 मेडल्स तो आएंगे, देश हमारा फिर से पेट्रियोटिक होगा, उनको मेडल्स मिलेंगे, तो ये सब शुरू होने वाला है और ओलंपिक्स चल ही रहा है। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और फिर से मैं वही कह रहा हूँ, टर्फ क्रिकेट का एक बहुत अच्छा व्लॉग आने वाला है एक बड़े यूट्यूबर के साथ, और वो बड़ा यूट्यूबर क्यों, रजत दलाल है।